महाराष्ट्र बिहार छत्तीसगढ़ में हड़ताल का एमपी में असर। ड्राइवरों ने ट्रक बॉर्डर पर खड़े किए। बालाघाट में कल से हड़ताल का एक्शन। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र बिहार छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में ड्राइवर फिर हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में हड़ताल नहीं है, लेकिन अन्य प्रदेशों में हड़ताल के कारण ड्राइवर ट्रक या फिर अन्य वाहन लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर पर ट्रक खड़े कर दिए हैं। इधर बालाघाट में 11 जनवरी से ड्राइवरों के हड़ताल पर जाने की बात सामने आई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली से जुड़े इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश में हड़ताल नहीं होने की बात कही है। अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया है कि हाल ही में किए राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1)(2) को वापस लो, पुराना कानून लागू करो को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। अभी नया कानून लागू नहीं किया गया है, सरकार ने पुनर्विचार करने की बात कही है। चूंकि सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, ऐसे में अब हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जरूर हड़ताल हो रही है, इस कारण प्रदेश से ट्रक वहां नहीं जा रहे हैं। सेंधवा समेत बॉर्डर पर ड्राइवरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। प्रदेश से 30,000 से 40,000 ट्रक माल लेकर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या फिर वहां से आते हैं। हड़ताल से बढ़ सकते हैं प्याज के रेट। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से प्याज समेत अन्य सामान आता है, यदि वहां हड़ताल लंबी चलती है तो प्याज के रेट में अंतर आएगा। अभी बाजार में खुले में 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक प्याज मिल रही है, इसके दाम बढ़ सकते हैं। बालाघाट में हड़ताल पर जाने का ऐलान। बालाघाट में ड्राइवरों ने 11 जनवरी को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। मंगलवार को बालाघाट में चालक और परिचालक संघ की बैठक हुई है। संघ के अध्यक्ष महेश सहारे ने एक बार फिर 11 जनवरी से कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। कानून को रद्द करने की मांग की गई है। हड़ताल का असर। बैतूल में महाराष्ट्र नहीं जा रही बसें। हिट एंड रन कानून की वापसी के लिए चल रहे आंदोलन का बैतूल में भी असर पड़ा है। यहां महाराष्ट्र जाने वाली बसें महाराष्ट्र सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। बस से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।